निर्मल भाई को बुलाया है और जवाब दे रहे हैं उनको, जो कुछ महाराष्ट्र में भी बैठे हैं लोग और कुछ हमारे यहाँ भी बैठे हैं, जो मतलब कि हमें गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, लेकिन हम गलत नहीं हैं। एरिया का अलग अलग वातावरण होता है, कोशिश तो ये मतलब कि हर एरिया में हम तो चाहते हैं कि सेट हो जाए, लेकिन कुछ एरिया में चलो सेट भी नहीं होती। लेकिन उसके लिए किसान को क्या करना पड़ेगा, मेन क्या है कि केयर करनी पड़ेगी, अच्छी मेडिसिन वगैरह, जैसे हम थोड़ा केयर पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं खाने में, जैसे अभी साइलेज भी चला हुआ है, साथ में जौ का आटा होता है, जैसे गर्मी है और जौ का आटा खिलाते हैं, चना छिलका खिलाते हैं, तो मतलब संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी। क्वालिटी देखिए जर्सी की मतलब कितना है, और ये हमने किसान भाई को दिया है जी 75,000 की, क्योंकि जैसे थोड़ी जर्सी की 2 दिन उसको नहीं देखा ना तो उसको थाइलेरिया हो जाता है, तो उसमें गायें डाउन आती आती बीमार हो जाती है और मर जाती है, तो यहाँ पे फेल हो जाता है फार्मर। तो मेन क्या है, किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की वीडियो बना रहे हैं मराठा डेयरी फार्म पे। मराठा डेयरी फार्म से राजेंद्र जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हरियाणा के करनाल एरिया में इनका फार्म है और आज कुछ गायें यहाँ पे सेल होकर महाराष्ट्र के लिए जा रही है और बाकी गायें सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है। अगर बात करें तो हर समय 20 और 30 गायें यहाँ पे, कभी कभी 35 गायें भी हो जाती है सेल के लिए अवेलेबल रहती है। जे गायें आपको चलाकर दिखाएंगे जो सेल हो चुकी है, उधर गायें सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है। परली तरफ भी आप फार्म देख सकते हो, पूरा फार्म भरा है। एक फार्म तो इनका जे है, एक पहले जो स्टार्टिंग में मालवा फार्म पे आपने इनकी वीडियो देखी थी, जो इनके घर में नीचे फार्म बना हुआ है वहाँ पे भी कुछ गायें इनके पास रहती है। काफ़ी किसान भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि आपने मराठा डेयरी फार्म की वीडियो काफ़ी लंबे समय से डाली नहीं, तो उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है जी, देखो मैं पंजाब से बठिंडा एरिया से आता हूँ और लगभग 4-5 घंटे यहाँ पे पहुँचने को लग जाते हैं, मतलब पूरा एक स्पेशल दिन चाहिए वीडियो बनाने के लिए, इसलिए कभी हमें नहीं समय मिल पाता था, तो कभी इनके जो कस्टमर हैं वो जल्दी में होते थे, गाड़ी लोड करनी थी, यही रीज़न था वीडियो नहीं बन रही थी। अभी कोशिश किया करेंगे कि समय निकाल कर इनकी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। ज़्यादातर इनकी गायें महाराष्ट्र में गाड़ियां लोड होकर जा रही है, दूसरे तीसरे दिन 1-2 गाड़ियां लोड होती रहती हैं। तो राजेंद्र भाई से बात करते हैं, अगर आपने इनसे गायें खरीदने के लिए आना है, डिलीवरी है जो इनकी ऑल इंडिया की रहती है, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या डायरेक्ट वीडियो कॉल करके जो स्टॉक सेल के लिए अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार निर्मल भाई, स्वागत है आपका हमारे फार्म पे, और सभी जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, उनका भी स्वागत है। कैसे हो जी, ठीक हो जी? बहुत बढ़िया है। काम कैसा चल रहा है जी? काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चला हुआ है, बहुत किसान भाई पूरा सहयोग दे रहे हैं। और एक बात और, मैं वो आपने जो भी बात बोली है उस बात को भी कहना चाहूँगा, कुछ लोग कह रहे थे कि मालवा से उनको उन्होंने फ्रॉड कर दिया, तो किसान भाइयों हमने कोई फ्रॉड नहीं किया था, खाली क्या था कि हमारा थोड़ा सा डिस्टेंस की वजह से हम वीडियो नहीं बनवा पा रहे थे, तो ये निर्मल भाई भी सामने हैं और मैं भी सामने हूँ और ये फार्म भी आज यहीं पर है और ये गायें भी सामने दिख रही है आपको, और ये महाराष्ट्र में जा रही हैं और लगातार महाराष्ट्र के किसान भाइयों का प्यार हमारे साथ बना हुआ है जी। किसान भाइयों ऐसा अगर वीडियो थोड़ा सा समय नहीं आती ना, तो ऐसा गलत मत तो सोचा करो कि राजेंद्र ने मराठा डेयरी फार्म ने किसी के साथ फ्रॉड किया, अभी वही बंदा आपके सामने खड़ा है, वही इनका फार्म है, वही लोकेशन है, सारा कुछ, बस बात यही है कि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता था, तो पिछले साल क्या व्यस्त ज्यादा रहे हम भी, और अब की बार भी तो डिस्टेंस की वजह से हम, क्योंकि 5-6 घंटे का सफर था, तो कभी कस्टमर इधर जल्दी में रहते थे और कभी हम तो बुला नहीं पाए, लेकिन आज हमने फ्री टाइम में ये निर्मल भाई को बुलाया है और जवाब दे रहे हैं उनको, जो कुछ महाराष्ट्र में भी बैठे हैं लोग और कुछ हमारे यहाँ भी बैठे हैं, जो मतलब कि हमें गलत साबित करने पे लगे हुए हैं, लेकिन हम गलत नहीं हैं। अगर हमने किसी के हमारे से कोई गलती भी हुई है, तो हमने किसान भाइयों को अपनी गलती सुधारी है, चाहे हमने उनको गायें दे के सुधारी हो या हमने अपना कैसे भी करके किया, हमने अपनी गलती को भी सुधारा है, क्योंकि ये देखो लाइव स्टॉक है, इसमें हम किसी को मतलब क्या होता है कि अपनी तरफ से कोई भी आदमी अपने किसान को अच्छा जो लेने आएगा, क्योंकि किसान जो हमारे पास आ रहे हैं वो भगवान का रूप है, अगर हम उनको गलत देंगे ना तो वो हमारी कमी है, मतलब कि हमें ये सोचना होगा कि वो भगवान है एक किस्म से, तो इसलिए हमें उनको अपनी तरफ से कोई नहीं सोचता कि आप गलत करो, अपनी तरफ से सब बढ़िया करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको भी हम सुधारने के लिए बैठे हैं और आज भी बैठे हैं, पहले भी किए और आगे भी करेंगे। जिन जिन किसानों से हमारे साथ कुछ गलत हुआ है उनको हमने गायें भी रिप्लेस करके दी है, हमारे नासिक में ऐसे किसान हैं, बीड़ में हैं, सांगली में, हम उनके नंबर भी दे सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हो कि मराठा फार्म कैसा काम कर रहे हैं। आज कितनी गायें महाराष्ट्र के लिए सेल करी है जी आपने? 10 गायें महाराष्ट्र में जा रही हैं जी, नासिक एरिया में ये किसान भाई खरीद के चले गए हैं,
और एक एक करके आपको गायें दिखा देंगे। ये इसमें दो दो दांत बछड़ी भी हैं, जर्सी गायें भी हैं, आयर शायर भी है, और उसके अलग हमारे पास और 15-20 गायें तब सेल के लिए भी अवेलेबल है, वो भी आपको एक एक। अभी काफी लंबे समय से आपकी वीडियो बन रही है काफी टाइम के बाद, तो आपके इधर करनाल एरिया का मेरे को कोई रेट का एस्टिमेट नहीं है, क्या चल रहा है, तो आपका एक एवरेज रेट बता दो फार्म का। देखो जी, हमने जो अभी पता क्या है, मेरे पास इस समय 60,000 वाली भी गायें हैं, और मैं एक्चुअली क्या है, देखो हमें औरों को नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता कि हम औरों से कम रिजनेबल, कम से कम रेट में गायें परचेज कर सेल करके मतलब किसान को देते हैं, लोट बना के देते हैं, सिंगल गायें भी हो, मतलब कि अपने फार्म से तो हम किसान को जैसा बोलता है वैसे संतुष्ट करके देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान भाई बोलते हैं मैं बाहर खरीद करो, तो बाहर में थोड़ा सा 5-7 हज़ार गायें ऊपर नीचे मिलती है, लेकिन अपने फार्म से तो हम नॉर्मली रेट बिल्कुल जेन्युइन करके दे रहे हैं। आज भी आपको गायें दिखाएंगे चला के, आप खुद किसान भाई खुद बता देंगे क्या क्या रेट है जी। हाँ जी, तो पहले नंबर पे जो गायें खड़ी है जर्सी, जर्सी है जी, इसका एक महीना बाकी है, चला दो भाई इसे, चलाओ भाई। लैक्टेशन जी, ये सेकंड लैक्टेशन की है, फर्स्ट में दूध दे रखा है जी 25-26 किलो, मैं आपको बोल दूं कि इसने तो 30 दिए 35 दिए, कोई वो झूठ वाली बात है। ये टाइसन सीमन की है और आगे डेनमार्क का, इसको जिग से प्रेग्नेंट है, शॉर्टेड सीमन से, देख लीजिए क्वालिटी, देखिए जर्सी की मतलब कितना है। और ये हमने किसान भाई को दिया है जी 75,000 की, क्योंकि जैसे थोड़ी जर्सी की अवेलेबिलिटी मतलब कम रहती है ना। ये नासिक में जा रही है? हाँ जी, नासिक में जा रही है। आपको दूध कितना बोल कर सेल करी आपने? हमने 25 बोल के सेल की जी, क्योंकि देखो जर्सी का 25 तो HF के 35 के बराबर है, ये 75 में दी है। ठीक है, बड़ा जेन्युइन रेट है जी। अब देखो बड़े भाई पता क्या है, जेन्युइन रेट है तो तभी हमारे पास किसान भाई लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले मंथ भी 9-10 गाड़ी अपनी गई है महाराष्ट्र में, इस मंथ भी जा रही है, तो मतलब लगातार किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आगे भी किसान भाई यो को निराश नहीं देंगे किसी भी कारणवश, अपने साथ जोड़ के रखेंगे। ले जाओ जी, बांधो। तो रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आती, जिम्मेवारी रहती है आपकी? निर्मल भाई, रास्ते की पूरी गारंटी, अगर किसी गाय को भगवान ना करे कुछ भी हो गया ना, तो हम बैठे हैं रिप्लेस करके देंगे। और इससे पहले पिछले साल एक नासिक किसान है, डॉक्टर सागर है हमारे, हमारे साथ लगातार 5 साल से जुड़े हुए हैं, उनके गाय को प्रॉब्लम हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम उनको दूसरी गाय रिप्लेस करके दी थी। रास्ते की पूरी गारंटी हमारी है। रिप्लेस कैसे करते हो, या किसी गाड़ी में एडजस्ट कर कर कैसे होता जी? या तो जैसे वही किसान दोबारा आते हैं, अगर उन्होंने सपोज करो 10 गाय ले लिया, तो उनको एक गाय अपनी तरफ से हमने उनका 9 का पैसा ले लेते हैं, एक गाय का उनसे पैसा नहीं लेते, जो पहले वो दिक्कत आई थी वो रिप्लेस कर देते। हाँ हाँ, या अगर कोई ऐसा हो जाता है, कई बार कोई किसान नहीं आ पाता, तो दूसरी गाड़ी में गाय भेज देते हैं। उस गाय का क्या रहता है, जो अगर कुछ गाय वहाँ पे खराब होगी, जो उसे कीमत लगता है भाई 10-20 हज़ार जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ले लेते हैं, उनकी फिर गाय भेज देते हैं दूसरी गाड़ी में। और कौन सी गाय चलाओगे जी? सभी, कोई भी चलाओ, देखो ये आयर शायर दिया जी, ये चला देते हैं। इसके बाद इसका बैकग्राउंड बता दो, चला दो भाई इस गाय को। ये सेकंड लैक्टेशन की है जी, सेकंड में, और दांतों में जी? दांतों में तो ये 6 है जी, और इसने फर्स्ट में 34 लीटर का दूध रिकॉर्ड है जी इसका। अब कितना टाइम रह रहा है इसका? अभी इसका बच्चा देने का टाइम है जी 1.5 महीना। और अब ये सेल कर दी? हाँ सेल कर दी है जी, ये हमने सेल की है, यहाँ पे नासिक में जा रही है, ये दिए जी हमने उनको 80,000 की। और दूध कितना बोला जी? अब दूध ये जी आपकी बार मतलब कि 35 किलो दूध बड़े आराम से देगी, फर्स्ट में 34 किलो दूध दिया है, बाकी गाय का बॉडी वेट आप देख रहे हो, घुमा लेते गाय का बॉडी वेट और गाय का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये आयर शायर बहुत, ये भी कम मिलती है, रेयर ब्रीड मिलती है। हाइट वेट देखो गाय की, मिल्क वाइन देख लो, थोड़ा कच्ची है इसलिए थोड़ा रेट, ले जाओ इधर को चला दो थोड़ा सा, कच्ची है इसलिए थोड़ा रेट इसका ये हो गया, वरना अगर तैयारी भी तो गाय 1 लाख से प्लस की है, लेकिन अपने फार्म पे जो रेट है वो रिजनेबली मिलेगा कभी भी। तो इनकी फाइल वगैरह सारी बन गई है जी, लोडिंग आज शाम को? आज शाम की लोडिंग है जी, सारा फाइल वगैरह सब बन गया है, और अपना शाम को इनको सबको एक बार ड्यूरा भोजन के इंजेक्शन दे के ठंडे टीके लगवा के सबको लोड कर देंगे, पूरा मेडिसिन साथ में जाएगा प्रॉपर, मतलब कि अपने जो लड़के साथ में जाएंगे पूरा मेडिसिन करते हो जाते हैं सबको, कोई दिक्कत ही नहीं आने देते अभी तक, अभी तक तो भगवान की कृपा से कोई मतलब कि पिछले 1-1.5-2 साल से कोई ऐसी समस्या नहीं आई कि गाड़ी में किसी गाय को प्रॉब्लम हुई हो, मतलब लड़के अपने एक्सपर्ट हैं, बढ़िया से संभाल के लेके जाते हैं। HF चला दो जी कोई अभी? हाँ जी चलाते हैं। कौन सी? कोई भी चला दो इसके साथ वाली बता दो। ये सभी जी महाराष्ट्र जा रहे हैं, एक बार खड़ी खड़ी का भी आपको आइडिया दे दूंगा। हाँ हाँ, बट फर्स्ट ये जो साथ में खड़ी है इसको ले आओ भाई बार, ये बैकग्राउंड बता दो इसका जी। ये भी जी सेकंड लैक्टेशन की है, 6 दांत है, 1.5 महीना कच्ची है जी, 34 लीटर का फर्स्ट का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वाइड के स्पाइक सीमन की है, अभी आप देख लीजिए। ये भी उधर ही जा रही है? हाँ ये भी महाराष्ट्र जा रही है जी। क्या रेट पे जा रही है? ये जी हमने उनको 85,000 की, अभी कोई किसान भाई बोलेगा कि मतलब कि, लेकिन गायें ये भी 1 लाख से प्लस की रेंज की है, ये 85 की दी है, जो रेट दिया वही आपको बताएंगे, मतलब ऐसे नहीं है कि हम वीडियो की वजह से बोल देंगे नहीं हमने तो 60 की दी है 70, वो फेक वाला काम नहीं है। गाय मेरे पास इस समय 50,000 वाली भी है, गाय मेरे पास इस समय 60,000 वाली, हर टाइप की गाय मिलेगी अपने। और ये जो आप सीमन का रिकॉर्ड बता रहे हो वो डिटेल मिलेगी किसान को? देखो जी ऐसा है, जो हम फार्म से खरीद के लाए हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, देखो मैं इसकी मतलब ये नहीं बोल सकता कि ये जो मैं बता रहा हूँ कि 100% यही होगा, मैं जैसे खरीद के लाया हूँ वो सारे डिटेल देखो
पीछे से जो अवेलेबल हुई है वो सब देंगे इनको। ठीक है। बट गाय का बॉडी स्पोर्ट देख लीजिए, अगर तैयारी पे हो तो गाय ये भी लाख से प्लस के भी खाली, एक महीना मतलब कि 40 दिन समझ के चलो इसका बाकी है। घुमा ले भाई। तो किसान भाई, ये गाय है जो अभी आपको सारी चलाकर दिखाई है, ये नासिक महाराष्ट्र में जा रही है, फाइल वगैरह सारी बन गई, आज शाम को गाड़ी लोड होगी। किसान गाय खरीद कर चले गए, अभी जिम्मेवारी इनकी है वहां तक पहुँचाने की। और अभी आपको इधर जो स्टॉक खड़ा है सेल के लिए अवेलेबल, वो चलाकर दिखाएंगे जी। ये बच्चिया दो दांत है जी, देखो हाइट बड़ी शानदार है जी। ये दो दांत है जी अभी, ठीक है। अंडर काफी ग्रो कर रखे, कितना टाइम है? इसका डेढ़ महीना बाकी है जी। ये हमने इनको 70,000 की, देखो जी हाइट देख लो मशीन 70,000 में। और कितना दूध बोला जी? दूध देगी जी 25 से प्लस, बड़ा आराम से, बहुत बड़े नेचुरल देगी, कोई इसमें मतलब वो नहीं है जी, देख लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद ये बछड़ी चार दांत है जी, ये दिए जी 65,000 की, 65 की। इसका दूध कितना बोला आपने? ये भी जी 25 के आसपास जाने वाली, 20 से 25 के बीच में। काफी खूबसूरत है दोनों बछड़ियां ना। और ये बछड़ी फिर जी दो दांत है जी, जी ये फिर दी है जी 65,000 की, सॉरी 70 की जी, गलत हो गया, दो दांत बछड़ी है। इसका डेढ़ महीना बाकी है, सभी गायों की पीढ़ी करवा के दी है, चेक करवा के। ठीक, दो दांत बछड़ी है जी, बढ़िया फार्म की है, 70,000 की ये दी है जी। उसके बाद ये भी नासिक में जा रही है, ये फिर 70,000 की दी है जी, आयर शहर है ये, सेकंड में। हाँ सेकंड में, एक महीना बाकी है दूध, ये भी 25 से प्लस जाने वाली है, ये भी 70,000 की। ठीक है जी। अभी आपको जो गाय दिखा सकते हो जी मेरे पास, भी सेल के लिए जो है मतलब सभी टाइप की रेंज की हैं। और सेल के लिए कौन कौन सी है? ये सारी सेल के लिए जी, ये खड़ी, ये एक दो तीन, ये सारी आठ उधर भी है, मतलब इनमें से कोई दो चार गाय चलाकर दिखा दो जी। ये चला रहे हो? श्रीराम बछिया है जी, एबीएस के हेड एंड सीमन की, हाइट वो देखना कितना हाइट है, लैक्टेशन जी, लैक्टेशन सेकंड है, 6 दांत है, और फर्स्ट का रिकॉर्ड 38 लीटर का है। अभी कितना टाइम पेंडिंग है? अभी डेढ़ महीना बाकी है, शॉर्टेड सीमन से आगे प्रेग्नेंट है, सीआरआई उससे, सॉरी इसका एबीएस का लगा हुआ है ब्रूट का। और कितना दूध देगी अब? दूध अभी 40 प्लस जाएगी जी, गाय की हाइट लेंथ आप देख सकते हो कितना बड़ा है। कितने पे सेल करोगे, जो फिक्स प्राइस रहेगा? अभी 90,000 डिमांड कर रहे हैं, बाकी कुछ में एवरेज बनानी पड़ती है, तो अभी का इसका जो प्राइस है अभी 90,000 डिमांड करे, बाकी बछड़ी का देख लीजिए फेस क्वालिटी ब्रीड उनसे हर एंगल से कहीं से भी चूक नहीं है बछड़ी में, देखो हाइट देखना बछड़ी की। ठीक है जी। किसान भाइयों, जे बछड़ी सेल के लिए अवेलेबल है, 90,000 डिमांड की जा रही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, बाकी ऐसा होता है कि 20-30 गाय सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है, तो पूरी गाड़ी का लॉट आपको यहीं में भरना है, तो उसमें और काफी ज्यादा छूट हो जाएगी आपको, अच्छी हो जाएगी। ये बछड़ी खड़ी है, इसकी डिमांड 80,000 है जी, दूध ये भी 30 प्लस वाली है, देखो ये भी सेकंड में है जी, सेकंड में जी, एक महीने बाकी है, 6 दांत है, डेनमार्क 40/116 की ब्रीड की है। एक कितना दूध देगी ये भी जी? 30 तक जाने वाली है बड़ी, 25 से 30 की, 25 से प्लस मान के चलो, ठीक हम 5 लीटर कमी बोल के देंगे। और हाइट इसकी देख लो कितनी बड़ी है, थोड़ा सा दुबली किस लिए लग रही है, क्योंकि थोड़ा ड्राई होता है ना जैसे पशु, अभी एक महीना बाकी है, तो थोड़ा कई बार ड्राई की वजह से, ड्राई टाइम पे अच्छा सा मटेरियल नहीं मिलता खाने का, उस वजह से, बाकी देख लो उसमें, देखो ब्रीड में कोई कमी नहीं, ब्रीड ये भी पूरी है बिल्कुल। घुमा लिया, ये डेनमार्क 40/116 की खुद है, और आगे इसको जो सीमा लगा उसका, बट हम बता नहीं सकते कन्वेंशनल लगा है, बट उसका कोई वो नहीं है गारंटी, मतलब सेक्सेड है ये पैसा है, बांध दो भाई, 80,000 डिमांड। ठीक है, मतलब ये जो दिख रही है 500 गाय, अगर कोई किसान लेगा, सभी गाय 20 से 25 की रेंज के बीच की हैं, और अगर कोई किसान लेता है 500 गाय 65,000 के हिसाब से भी बना देंगे लॉट, 65,000 में लॉट के हिसाब से 500 गाय। लैक्टेशन सारी है, सभी का सेकंड है, ये 6 दांत है, उधर वाली 4 दांत है, ये फिर 6 दांत है, ये फिर 6 दांत है, मतलब सभी गाय, इनमें से कोई एक गाय चला दो भाई, कर दे 20-25 लीटर किसान भाइयों इनका एवरेज आएगा दूध का, और सेकंड लैक्टेशन है, सभी की सभी 65,000 की एवरेज निकल जाएगी आपको, 65,000 की रेंज के हिसाब से दे देंगे, बाकी सारी प्रिंटेड बछड़ियां हैं, सभी यंग हैं, सेकंड लैक्टेशन की है, कोई मतलब कि महीना महीना कच्ची है सारी। ठीक है जी, देख ली बछड़ी, देखिए 6 दांत है जी, सेकंड टाइम की चलेगी 6 दांत, फर्स्ट में दूध रखा जी 20 किलो, अभी डेढ़ महीना बाकी है, डिमांड की 65,000 रुपये जी आज की, मतलब कि 1,000-2,000 तो मान सम्मान हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा अगले, लेकिन अगर कोई किसान इकट्ठी लेगा तो कर देंगे, इसलिए ये देखेंगे जी 60,000 सामने दिख रही है। ठीक है जी। हाँ तो इनकी सारी की 60,000 निकाल दोगे मौके पे? हाँ, अगर कोई मौके पे किसान है सबको 60,000 का भी लोट बना देंगे। ठीक, मतलब कि इस्टे पता क्या होता है निर्मल भाई, कई बार किसान भाई आते हैं ना हमारे पास, जैसे क्या होता है कि अभी कोई किसान आता है
अब वो हमने वीडियो में जो रेट बोल रहे हैं कि 60,000 रुपये, वो आगे पता क्या बोलता है, जैसे मैं वो सिंगल इस बछिया को बोलेगा 60,000, लेकिन वो सिंगल में नहीं बात बनेगी, सिंगल में नहीं बनेगी वो तो लॉट बनेगी, लॉट में बन जाता है सिंगल, तो वही कम किया ये ज्यादा की वो रेंज बनती है, इकट्ठा भी लेगा ना कोई 500 तो 60 के हिसाब से भी दे देंगे, ठीक है ये ऐसे लॉट बनता है भाई जी। तो उधर भी गायें सेल के लिए, उधर भी गायें सेल के लिए हैं, वो आपको मैं उसका भी सभी का बताएंगे, वो सांगली जा रही हैं और घर में भी खड़ी है, हाँ घर में अलग खड़ी है, घर में कितनी है, घर में भी 8-9 गायें घर पे खड़ी है, उधर वो सामने उधर भी खड़ी हुई है, ये खड़ी है सामने, हाँ, ये इधर खड़ी है, ये सेल के लिए भी है, उधर बछड़ियां भी खड़ी है, मतलब की हर समय रहती है, 40 तक भी चले जाते हैं, जैसे जैसे मौसम में और सुधार होगा तो 40-50 तक, मतलब पूरा जितना भी गर्मी भी हुई ना कि पूरी गर्मी के अंदर भी हमने 20 गायें हर टाइम रखी है अभी। तो अभी मैं देखूं तो आपके फार्म में जहाँ पे 10 गायें तो सेल के लिए सेल कर दी, तो 20-25 गायें सेल के लिए खड़ी है, 8-10 कह रहे हो घर में, अभी भी 40-45 गायें हैं, अभी भी 40, तो गर्मी में दिक्कत नहीं आती केयर करने में, बड़े पता क्या है अगर अच्छा सा केयर देना इनको, मतलब की बढ़िया, एक तो अभी क्या है मतलब की अच्छा खाना पीना अच्छा मिलता रहे, टाइम पे नहलाई धुलाई होती रहे और टेम्परेचर वगैरह नोट करते रहे सुबह शाम, तो कोई दिक्कत नहीं आती, मेन क्या है कि केयर करनी पड़ेगी अच्छी, मेडिसिन वगैरह जैसे हम थोड़ा केयर पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं खाने में, जैसे अभी साइलेज भी चला हुआ है साथ में, जौ का आटा होता है जैसे गर्मी है, जौ का आटा खिलाते हैं, चना छिलका खिलाते हैं, तो मतलब संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी। कोई नया किसान आ गया जिसको गाय के बारे में इतना पता नहीं, मान लो जो सपोज कर लो महाराष्ट्र का है, हाँ जी, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सबसे ज्यादा गाय जा रही है, बिल्कुल, तो गाय आपसे खरीद ली, वहां पे उसके गाय उतर गई घर में, तो 10-15 दिन काफी मुश्किल रहते हैं, तो उनमें कौन सी स्पेशल केयर करी है कि गाय वहां पे मन लगा ले, तो खाना पीना और दूध सही कर जाए। पता क्या होता है, देखो हर एरिया का अलग अलग वातावरण होता है, कोशिश तो ये मतलब कि हर एरिया में हम तो चाहते हैं कि सेट हो जाए, लेकिन कुछ एरिया में चलो सेट भी नहीं होती, लेकिन उसके लिए किसान को क्या करना पड़ेगा, एक तो सुबह शाम ना अपनी गायों को डेली रूटीन में टेम्परेचर नोट करना बहुत जरूरी है, कम से कम 10 दिन, क्योंकि टेम्परेचर अगर नोट करेगा ना तो उसमें क्या रहेगा, उसको उसकी गाय को अब क्या होता है, जैसे आज गाय को 104 बुखार है और हमने एक नॉर्मल इंजेक्शन दे दिया और 2 दिन उसको नहीं देखा ना, तो उसको थाइलेरिया हो जाता है, तो उसमें गायें डाउन आती आती बीमार हो जाती है और मर जाती है, तो यहाँ पर फेल हो जाता है फार्मर। तो मेन क्या है, उसको डेली सुबह शाम एक टेम्परेचर जरूर नोट करना है उसको, और कुछ क्या है जैसे जाने के बाद यहाँ से लीवर टोनिक एक मेडिसिन आती है सारकाफ्रोल, ये चीज़ें लगातार रूटीन में खिलाते रहो तो 10-15 दिन में सेट हो जाती है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती, क्योंकि अभी जो नए नए फार्मर हमसे लेके गए हैं तो सब गायें जाके बढ़िया सेट होगी, उधर कोई दिक्कत नहीं आई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ खाली एक ये चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर जरूर नोट करो, अगर लगातार किसी गाय को 2 या 3 दिन लगातार टेम्परेचर ज़्यादा आ रहे हैं, इंजेक्शन से भी नहीं टूट रहे हैं, तो उसको टेस्ट करवाओ, तो टेस्ट में क्या आता है उसके हिसाब से फिर उसका काम आगे चालू करो, क्योंकि पता है क्या बड़े भाई, गायें बेचना तो आसान है, कोई बेच लेता है, लेकिन फार्मर को बताओ ना कि भाई गाय में क्या क्या, मतलब प्राइमरी उसको ट्रीटमेंट क्या दे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या दे, और क्या क्या बीमारी होती है, थलेरिया क्या है, एनाप्लाज्मा क्या है, बवेशिया क्या है, बरसूला क्या है, तो उसको फार्मर को इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। तो मेरे पास जो कोई फार्मर आता है ना, तो मैं सब बोलता हूँ कि भैया गायें लेना तो आसान है, बट इनको संभालो कैसे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है जी। जी तो लास्ट में वीडियो पूरा हो गया जी, कुछ मैसेज किसान भाइयों को देकर, देखो किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ, आइए हमारे फार्म पे, पूरा सोच समझ के आइए, अपनी तरफ से हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, अपनी तरफ से ये फैसिलिटी भी मिलेगी कि अगर किसी किसान की कोई गाय हमारी वजह से गाड़ी में कोई दिक्कत होती है तो हम उसको रिप्लेस करके देंगे, हम उस चीज़ के लिए बैठे हैं, आज ये वीडियो में बात बोल रहे हैं, पहले की भी और आगे भी करके देंगे, तो कोई भी किसान हमसे लेके जाएगा तो उसके साथ हम फ्यूचर में भी उसके साथ हम खड़े हैं, पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे, तो हमारे फार्म पे आप कभी भी किसान भाई आओ, हर समय 20-30 गायें सेल के लिए मिलेंगी। हाँ लेकिन थोड़ा सा ये जरूर निवेदन करेंगे कि यहाँ पे आने के बाद वो ये मत बोले कि आपने ये लोट में ऐसे बोला था 60 बोला था, ये कई बार रेट होते हैं वो लोट के हिसाब से होते हैं, समझ रहे हैं भाई जी। वो तो रेट कई बार लोट के हिसाब से होते हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा हमें वो भी समझ के चले, वो तो सिंगल का रेट किसान भाई अलग ही रहता है। मान लो जी गाय का लॉट बनाया 60 में बना दिया, अगर अकेली गायें खरीदोगे इनमें से कोई 55 की होगी, कोई 65 की और कोई 70 की भी होगी, इस चीज को थोड़ा सा किसान भाई हमें हमारे साथ भी सहयोग करके चले। धन्यवाद, नमस्कार।